चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दो तीन गांवों की सड़क आ गई, अच्छा। उस पर जबरदस्ती तानाशाही चल रही थी, टोल नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो मेरा कहना जो है टोल चालू कर दिया। और भाजपा का सारा कोई भी वोट मांगना वा गांव में बढ़ना दो, आपके लोकसभा का नजदीक आ रहा, बढ़ना दो सारा गांव में बहिष्कार कर दो इनका। मुंबई सब इनकी चलती क्यों भाग का है फिर, ये हुआ तो नहीं इन पर झगड़ा, नहीं आने का, हिंदू मुस्लिम नहीं होने का। आप जा एक तरफ तो पूरी सरकार मंदिरों पर उस पर लग रही सरकारी, राम को भी सरकारी बना दिया, और एक तरफ ये है कि किसी ने अगर मंदिर गांव में बना लिया तो वे मंदिर तोड़े जा रहे। अरे हुआ अपमान किसानों का, में रेपे नहीं सया जाता, मैं जाके तोड़ू बैरियल मेरे जोस गत मेरे आता, एक सम्राम की खातरी माता, मत कोक सफर करूं तेरी, महेंद्र सिंह टिकैत न जाके कर मुँह खेड़ी घेरी, अरे महेंद्र सिंह टिकैत न जाके कर मुँह खेड़ी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। मुद्दा बहुत गंभीर है, कई गांवों का रास्ता है, यहाँ का प्रशासन अनुशासन सुना कर रहा, वहां से हमारा यहाँ से कन्या इंटर कॉलेज है, वहां से एक्सीडेंट की स्थिति बनी हुई है, वहां को एक ऊपर कुआ बना जाए उनके आने जाने का, दोनों तरफ सर्विस रोड बने, बिजली वालों ने पूरा आतंक तैयार रखा। फिलहाल अब कहते छूट आ रही, छूट कहीं नहीं है, कुछ नहीं था, उन पर इतने ही तो बढ़ा दे देवे, उसमें तेन कहते यार छूट दे दी, तो पूरा शोषण हो रहा भाई। इस टोल की सही पैर का जागे आज हम ध्यान रख लियो, इतनी तानाशाही, यानी कि यहाँ का डीएम एसएसपी हमारे पदाधिकारियों की साथ बात का मीटिंग कर रहा है और उस पर अमल करने का कार्य नहीं कर रहा, सिर्फ मिट्टी गोली देने का काम कर रहा, मुझे फनागर में रहेगा ये तो होने का नहीं। दिल्ली भी, दिल्ली भी चले जाएंगे सरकार की, क्या मामला चल रहा है आज? आज मामला मैन पुल है, कौन सा पीने वाला पीना बाईपास का पुल, दो तीन गांवों की सड़क आ गई, अच्छा। उस पर जबरदस्ती तानाशाही चल रही थी, पुल नहीं बनने दे रहे हैं, तो मेरा कहना जो है टोल चालू कर दिया, और तो ये छोटी मोटी चले जाएंगे, मैन तो पुल है हमारा। पुल अगर नहीं बनता है तो क्या क्या दिक्कतें होगी? कैसे भाई, चोबला बनेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी स्पीड से जानी जंगली रास्ता, नंबर होगा स्पीड है, अच्छा। तो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी एक्सीडेंट है। गन्ना भुगतान, बिजली, आवारा पशु और इन चीज को लेकर किसान लगातार धरने दे रहा है, तो किसानों को इतना मजबूर क्यों किया जा रहा है? जब सरकार सुनती नहीं, सरकार अपनी चलाती रहे क्यों जी, और मिल 20 रुपए बढ़ाए इन्होंने गन्ने पे, क्या हो सुनमें? सरकार ने किसान के साथ छल करा, 20 रुपए बढ़ा गए, यूरिया का घटा दिया 5 किलो, नमक पर बढ़ा दिया 2 रुपए किलो, किसान का गन्ने पर बढ़ा 20 पैसे किलो, जो सरकार किसान के साथ छल कर रही छल, जो जो टोल बना है ना, यह टोल नहीं चल जाएगा इसने जब तक पुल नहीं मिलने का किसान लोगों, इसकी टाइट पैर लगे, इतने पुल नहीं बनेगा पीलने का, इतने टोल फ्री रखो, 450 रुपए हर एक ब्लॉक से, हर एक ब्लॉक के आदमियों की ड्यूटी लगा दो, टोल सारों का चलाना दो, इतना वहाँ क्या ना पुल की तैयारी ना करें ये। और भाजपा का सारा कोई भी वोट मांगना वा गांव में बढ़ना दो, आपके लोकसभा का नजदीक आ रहा, बढ़ना दो सारा गांव में बहिष्कार कर दो इनका, हर एक गांव में लिख दो कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने के, इनका इतना विरोध नहीं करो, डट का मुकाबला नहीं करो, इतना काम नहीं करना। आप मुजफ्फरनगर से हो? हाँ। तो आप किसको देख रहे हैं? नहीं, हम तो सही देखे गठबंधन को ही। हाँ,
पिछली बार कहाँ दी थी? गठबंधन को। और उससे पहले? भाजपा को दी थी पहले। अच्छा, सबसे शुरू में 14 में दंगे के बाद? दंगे के बाद दी थी। दंगे का असर था? हाँ। इस बार तो नहीं है? दंगा तो खत्म हो लिया भैया, अब दंगे को ही हो नहीं रहा। मामला रहा दंगे में, क्या हो रहा बताओ? मुँह में सब इनकी चालती, क्यों भाग का है फिर ये? हुआ तो नहीं झगड़ा, नया होने का, हिंदू मुस्लिम नहीं होने का। आप जा, इस बार आपको क्या लगता है किसान का क्या रुख रहेगा? इस बार किसान का रुख तो रहेगा, जो किसान की सुनेगा उसी की डब कुछ चलेगा। 14 दिन में गन्ने का भुगतान भी हो जाएगा क्या? उस तरीके की बातें हो रही है? 14 दिन में भुगतान तो कर रहे, कुछ मिल तो अभी भी नहीं कर रहे। किसानों का पैसा चुका जो पड़ा, ब्याज की बात करी थी इन्होंने, एक एक महीने का पेमेंट रुक रहा है ना, अभी किसने दिया ब्याज? आज लो तो किसी ने ब्याज नहीं दिया। ये तो कहे कुछ और करे कुछ। सुनिए माँ मेरी, और यहाँ पे मुआवजे के मामले हैं बहुत, तो मुआवजे का मामला भी आर्बिट्रेशन में उसमें गए हुए हैं, कुछ चकबंदी के इशू हैं। यहाँ पे किसान आ रहे दो दो तीन तीन बीघे के किसान, कहाँ यहीं खड़ा था वो, ये रहा, क्या करेगा भैया? किसी के लड़ाई लड़ लगा, ये अधिकारी को कह सकता है या फिर संगठन के लोगों को कहेगा? तो जो ये मामले हैं ये निपटाओ। 3 बीघे जमीन गई, 500 मीटर के रेंज में है बिल्कुल, उससे मुआवजा ठीक मिलना चाहिए, अब मिला नहीं। एक तरफ तो पूरी सरकार मंदिरों पर उस पर लग रही, सरकारी राम को भी सरकारी बढ़ा दिया, और एक तरफ ये है कि किसी ने अगर मंदिर गांव में बना लिया तो वे मंदिर तोड़े जा रहे। बुड्ढा खेड़ा गांव का मामला है, एसडीएम साहब आप एक बार जाओ, वह मंदिर तो बनाया है कोई, मां शराब का ठेका किसी ने थोड़ा खोल लिया भाई, भगवान का मंदिर बनाया। और एक चीज और ध्यान रखना भाई, ये बहका के सरकार के लोग आपको फ्री में अयोध्या ले जाएंगे, इनके चक्कर में नहीं आना। एक दिन अयोध्या का हम ही प्रोग्राम रखेंगे, वहां पे समीक्षा मीटिंग रखेंगे अयोध्या की, फैजाबाद की, तो जब चलना, इनके चक्कर में नहीं आना। एक दिन तुम्हें नुहा देंगे वहां पे बस, ठीक है? जो भी समस्या है, बिजली, पानी है, गन्ना।